देखो लेफ्टन गिवन है अपने को x इक्वल टू 2t माइनस t स्क्वायर, वेयर x पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट है, ये जो x है वो मीटर में गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखो अपने फॉर्मूला लिखा था v इंस्टेंटेनियस का, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिखा था अपने ds / dt लिखा था, s के प्लेस पे यहां अपने को x गिवन है तो अपन x लिख दे रहे हैं। तो देखो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या आएगा, d upon dt, x का वैल्यू पुट कर दो, ये आएगा 2t minus t square हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। मैं इसको सेपरेट लिख देता हूं, देखो v instantaneous equal to ये आ गया d upon dt, ये हो गया 2t minus d upon dt और ये हो जाएगा t square। अब देखो v instantaneous 2 को मैं आउटसाइड ले रहा हूं, डिफरेंशिएशन से 2 को आउटसाइड ले लिया, ये आ गया d upon dt और ये t है ये अपने पास माइनस। देखो फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, d upon dt और अगर मान लो लिखा हुआ है t की पावर n, पावर को मल्टीप्लाई में लेना है, पावर में से 1 सबट्रैक्ट करना है भाई, पावर को मल्टीप्लाई में लेना है, पावर में से 1 सबट्रैक्ट करना है। पावर कितनी है बताओ, 2 है, 2 को मल्टीप्लाई में ले लो और पावर में से कितना सबट्रैक्ट कर दो बताओ, 1 सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 2t की पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया सीधा, ये क्या आ गया बताओ, v instantaneous equal to ये आ गया 2 माइनस आ गया 2t, ये इक्वेशन आ गई अपने पास किसकी, instantaneous स्पीड। अब समझो कितने पे फाइंड आउट करना है, a t equal to 1 सेकंड पे फाइंड आउट करना है, तो पुट करेंगे t equal to 1 सेकंड, जो क्या आएगा v instantaneous जो आएगा, v instantaneous जो आएगा 2 minus 2 multiplied 1, कितना जाएगा बताओ, 0 meter per second आ जाएगा, 2 minus 2 जाएगा, तो instantaneous speed अपने find out कर ली है, at equal to 1 second पे 0 meter per second आ जाएगी। समझ आया होगा instantaneous speed कैसे find out करते हैं, formula लिखा था ds by dt, s के place पे x है, x का वैल्यू पुट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया था और बता दिया फार्मूला, यहां पावर को मल्टीप्लाई में लेना है और पावर में से 1 सबट्रैक्ट करना है, पावर को बेस के मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर में से 1 सबट्रैक्ट करना है। आई थिंक इंस्टेंटेनियस स्पीड तो निकालना सबको आ गया होगा, अब अपन निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड। देखो इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड एवरेज स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 0 सेकंड से t इक्वल टू 0 सेकंड 2t हो t इक्वल टू 3 सेकंड, कहां से कहां तक निकालनी है, 0 सेकंड से 3 सेकंड के बिटवीन में अपने को फाइंड आउट करनी है, मीनिंग ये टाइम डिफरेंस अपने को दे रखा है। अब समझो एवरेज स्पीड का फार्मूला अपन जानते हैं, v एवरेज इक्वल टू, समझे की बात को ध्यान से, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा, समझो बात को ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन में और करवाऊंगा अभी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखो एक बार अपन चेक करते हैं इसको, t इक्वल टू 0 सेकंड पे कौन कौन से टाइम इंटरवल अपने को गिवन है, 0 सेकंड से 3 सेकंड का टाइम इंटरवल गिवन है, एक बार t इक्वल टू 0 सेकंड पे चेक कर लेते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन क्या रही होगी। देखो अपने स्टडी कर रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो अपना जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलेगा, तो ये अपने ले लिया पॉजिटिव x एक्सिस ले लिया और ये अपने ले लिया नेगेटिव x एक्सिस,
अपना जो पार्टिकल होगा वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। अब देखो समझो, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे को कि इक्वल टू जीरो सेकंड पे उस पार्टिकल की पोजीशन क्या रही होगी। देखो जीरो सेकंड अगर पुट करते हैं, यहाँ जीरो पुट कर दो, टी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसे आ गया होगा। देखो टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जब जीरो पुट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, देखो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ, जीरो मीटर आ गया। समझ आ गया होगा, मैंने इस इक्वेशन में टी का वैल्यू जीरो पुट किया है, तो t equal to 0 सेकंड पे x का वैल्यू 0 आ गया भाई। ये x equal to 0 है और यहाँ जो टाइम है वो t equal to कितना है बताओ, 0 है। टाइम जो है वो t equal to 0 है और x का वैल्यू कितना है बताओ, 0 है। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, t equal to 0 पे x का वैल्यू 0 है, इतनी बात क्लियर। अब देखो समझो, अब क्या करना है अपने को, और चेक करो t इक्वल टू 3 सेकंड पे कहां है वो, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करेंगे, यहां 3 पुट करूंगा तो 6 हो गया, यहां 3 पुट करूंगा तो 9 हो गया, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 आएगा, तो at इक्वल टू 3 सेकंड है x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 3 मीटर आएगा। मैं वापस समझ दे रहा हूँ तुम्हारे को, मैंने यहाँ 3 पहले 0 पुट कर दिया तो 0 आ गया, तो t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन क्या है बताओ, 0 है। ये x का वैल्यू है, यहाँ x का वैल्यू 0 है, यहाँ x का वैल्यू यहाँ 0 है, ये पॉइंट आ गया, ओरिजिन ही आ गया अपने का। फिर t इक्वल टू 3 सेकंड पुट गया तो ये 6 और ये 9 हो गया, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 हो गया, माइनस क्या हो गया बताओ, 3 हो गया, तो ये माइनस का 3 नेगेटिव x एक्सिस पे आएगा, t इक्वल टू 3 सेकंड पे x का जो वैल्यू है वो माइनस का 3 मीटर है, ये पॉइंट मिल गया सपोज ड्रॉप। अब मेरी बात समझो, देखो हो सकता है वो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, देखो ना क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान सुनना इसको, हो सकता है वो पार्टिकल यहाँ से सीधा यहाँ चला गया होगा, हो सकता है वो पार्टिकल पहले इधर गया होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे गया हो फिर टर्न होके यहाँ आया हो, तो दो पॉसिबिलिटी है इसमें, दो पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल अपने पास है या तो सीधा यहाँ से यहाँ पे आ गया या फिर पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आया हो और फिर वापस यहाँ आया हो। देखो तो अपने को चेक करना पड़ेगा, ये क्या चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो नहीं गया ना, तो चेक करने का तरीका क्या होता है, चेक करने का तरीका ये है, सपोज करो वो इधर गया और मान लो यहाँ तक गया, एक बार ऐसे मानते हैं। अब सोचो जब वो वापस वहां से टर्न हुआ, जाके टर्न होगा और स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जब वो टर्न होगा तो उस इंस्टेंट पे उसकी बताओ जो स्पीड है, स्पीड बोल दो, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, उस दैट इंस्टेंट पे मीनिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर कह दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब वो टर्न हुआ होगा तो क्या रही होगी बताओ, जीरो रही होगी। वो जिस टाइम टर्न हुआ है उस टाइम उसकी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो क्या रही होगी बताओ, जीरो रही होगी, क्योंकि रुके बिना वो मुड़ नहीं सकता है, रुके बिना टर्न नहीं ले सकता, क्योंकि अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रुक के ही टर्न हो सकता है उसको, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सोचो जैसे मान लो इधर गया, अब यहाँ तक गया, वापस टर्न होगा तो उस इंस्टेंट पे वो क्या होगा बताओ, रुकेगा, मीनिंग उसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकते हैं, उस दैट इंस्टेंट पे कितनी होगी बताओ, जीरो होगी, जीरो होगी। तो अपन चेक कर लेते हैं कि उसकी जो स्पीड है इंस्टेंटेनियस वो कब जीरो रही, तो देखो एक बार अपने बी चेक करना पड़ेगा, अपने बी को जीरो पुट करेंगे, बी इंस्टेंटेनियस मान लो, इंस्टेंटेनियस निकाल रहा हूं मैं, अभी निकाला था अपन ने, बताओ क्या इक्वेशन आई थी, इक्वेशन आई थी 2 - 2t, अभी इक्वेशन लिखी थी अपन 2 - 2t वाली इक्वेशन लिखी थी, अब बताओ इसको मैंने जीरो कर दिया तो ये कितना हो गया 2 - 2t हो गया, तो बताओ यहाँ से t का वैल्यू कितना निकल के आएगा अपने पास, 1 सेकंड, इसका मीनिंग वो बताओ कितने पे टर्न हुआ है, कितने पे उसकी स्पीड जीरो रही है बताओ, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे वो टर्न हुआ है, मीनिंग वेलोसिटी वो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो अपने पास कितनी है,
जीरो है उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो क्या है बताओ, जीरो है उस इंस्टेंट पे। समझ रहे होंगे आई थिंक मेरी बात। तो अब देखो वन सेकंड पे जब वो टर्न हुआ मैंने उसकी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो जीरो रही, तो तुम क्या करो उस इंस्टेंट पे उसकी पोजिशन निकालो कि वन सेकेंड पे कहाँ है वो, वन सेकेंड पे कहाँ है। तो देखो वन सेकेंड वाला पॉइंट और इंक्लूड कर लेते हैं अपन इसमें, तो देखना t इक्वल टू वन सेकेंड, बताओ वन सेकेंड पे उसकी पोजिशन क्या रही। देखो यहाँ वन पुट करो टू हो गया, यहाँ वन पुट कर दिया तो टू मल्टीप्लाई वन टू हो गया, ये वन हो गया टू माइनस वन वन हो गया, मीनिंग बताओ कितने पे था t इक्वल टू वन सेकेंड पे, वो x इक्वल टू वन मीटर पे था। सोचो ये रहा ये पॉइंट है वो t equal to 1 second पे, वो x equal to कितने मीटर पे बताओ 1 मीटर पे। अब अपने को बात क्लियर हो गई है पूरी, क्या क्लियर हुई, स्टार्ट कब हुआ बताओ, यहां से स्टार्ट हुआ है वो t equal to 0 से स्टार्ट हुआ है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, स्टार्ट होने के बाद में सीधा या नहीं गया, देखो देखो t equal to 0 के बाद में कितना आएगा बताओ, t equal to 1 आएगा, और t equal to 1 पे कहां है बताओ, यहां है, मीनिंग यहां से स्टार्ट हो गया पहले वो इधर गया, फिर वापस देखो यहाँ से टर्न हुआ है क्योंकि अपन ने निकाल लिया ना उसका टर्निंग पॉइंट, मैंने ये बताया ना तुम्हारे को भाई टर्निंग पॉइंट पे उसकी स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, कौन सी वाली लेनी है, इंस्टेंटेनियस वाली, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करना है अपने। तो बताओ वो क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए तभी तो वो टर्न होगा, जीरो होगी तभी तो टर्न होगा अपने पास। तो मैंने ये तुम्हारे को बताया, तो बताओ कब टर्न हुआ वो, इक्वल टू वन सेकेंड पे टर्न हुआ वो, इक्वल टू वन सेकेंड पे टर्न हुआ, तो बताओ पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर गया, फिर यहाँ से टर्न लेकर वापस वो इधर चला गया। अभी भी तुम्हारे को अगर कंफ्यूजन है तो मैं देखो t इक्वल टू टू सेकेंड पे पोजीशन और निकाल लेता हूँ एक बार तुम्हारी तसल्ली के लिए, बताओ टू सेकेंड पे पोजीशन निकालो, हालांकि जरूरत नहीं है टर्निंग पॉइंट मिल गया बस कर दो सॉल्व। अब देखो t इक्वल टू टू सेकेंड पे और निकाल लेता हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो बताओ ये कितना हो गया फोर, जरूरत ही नहीं है वो तो मैंने बताया तुम्हारे को, बस तुम तो क्या निकाल लो उसका टर्निंग पॉइंट निकाल लो, और टर्निंग पॉइंट निकालने का मैंने तुम्हारे को तरीका बता दिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो, उस दैट इंस्टेंट पे जीरो के इक्वल कर दो, तो वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम वो टर्न ले रहा है, अगर वो टाइम आ गया फिर अपने कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होना है, अब देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो स्टार्ट कहाँ से होना है, इनिशियल जो टाइम दे रखा है बताओ कितना है, जीरो सेकंड, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है, तो बताओ जीरो से देखो पहले यहाँ गया हो तो बताओ कितना मीटर गया, देखना वन मीटर गया यहाँ से चल के इधर कितना गया बताओ, वन मीटर गया, यहाँ से वापस आएगा तो बताओ वन मीटर वापस आया नहीं आया, टू मीटर हो गया, और अब बताओ इधर कितना चलेगा वो, थ्री चलेगा क्योंकि ये तो पोजीशन है उसकी, अपन जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव होती है, हालांकि यहाँ माइनस थ्री लिखा हुआ है बट मैंने क्या बताया डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ पहले इधर गया तो वन मीटर गया वो, फिर वन मीटर वापस आएगा तो टू मीटर हो गया, और थ्री मीटर ये कितना मीटर हो गया फाइव मीटर हो गया, तो बताओ टोटल डिस्टेंस, अब वैल्यू समझ आ गया होगा क्या लिखने वाले हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फाइव मीटर, टोटल टाइम बताओ ये रहा जीरो से थ्री तक का बीस सेकंड हो गया, तो बस ये आंसर आ गया, अब डिवाइड कर दो 1.67 मीटर पर सेकंड, आई थिंक समझ आ गया होगा एवरेज स्पीड निकालना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी मेथड का, x इक्वल टू गिवन है 4t माइनस t स्क्वायर प्लस 2 गिवन है अपने, देखो समझो फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड है t इक्वल टू 2 सेकंड, बताओ v इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट पार्ट में, तो देखो v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला जानते हो dx / dt, s के प्लेस पे x है तो dx / dt हो जाएगा, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू देखो क्या आएगा d / dt, x का वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं, x का वैल्यू आ गया 4t माइनस t स्क्वायर प्लस 2, सेपरेट लिख दो या तो आगे होगा सीधा कर सकते हो तुम इसका डिफरेंशिएशन, बट मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर देता हूं,
देखो ये आ गया डी अपॉन डी टी, ये आ गया 4t माइनस डी अपॉन डी टी, ये टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी और ये आ गया टू। देखो समझो V इंस्टेंटेनियस, 4 को आउटसाइड ले लिया, ये हो गया dt ओवर dt, पावर मल्टीप्लाई में लो और पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर दो, कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, बताओ ये कैंसिल हो गया। तो देखो V इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू है, V इंस्टेंटेनियस जो आएगा कितना आ रहा है बताओ, 4 माइनस 2t ये आएगा भाई। अब अपने को बताओ t इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइंड आउट करना है, तो बताओ v इंस्टेंटेनियस 0 आ रहा है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो बताओ इंस्टेंटेनियस जो स्पीड आ गई एट इक्वल टू 2 सेकंड है वो 0 आ गई भाई, 0 मीटर पर सेकंड आ गई, 0 मीटर पर सेकंड आ गई अपनी। बताओ इंस्टेंटेनियस निकालना तो सबको आ गया होगा, अब मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, देखो समझो एवरेज फटाफट से एक बार है। देखो अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, टाइम इंटरवेल अपने को गिवन है t इक्वल टू 0 सेकंड है, 2 t इक्वल टू 5 सेकंड। देखो एक बार समझो, v एवरेज का तुम्हारे को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। आप समझो मेरी बात को ध्यान से, देखिए पहले अपन क्या करते हैं, देखो t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 0 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ है, देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 2 मीटर पे आ रहा है वो, x का वैल्यू आ रहा है 2 मीटर। फिर t इक्वल टू 5 सेकंड की बात करते हैं अपन, तो 5 सेकंड पर अगर मान लो उसकी पोजीशन निकालिए तो यहाँ 5 करेंगे 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, फिर 22 हो गया, ये 25 हो गया, तो x का वैल्यू माइनस का 3 मीटर आ रहा है। देखो दो पोजीशन अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, मैं ग्राफ बना देता हूँ इसका समझने के लिए, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, टी इक्वल टू 0 पे देखो कहाँ है वो, एक्स इक्वल टू 2 पे है, सपोज करो ये टी इक्वल टू 0 टाइम है, ये टी इक्वल टू 0 टाइम ले लिया अपन ने, और कितने पे है बताओ वो, 2 मीटर पे, कितने पे है बताओ वो, 2 मीटर पे यहाँ है। अब समझो t इक्वल टू 0 पे वो 2 मीटर पे है, t इक्वल टू 5 पे देखना वो माइनस के 3 पे है, तो t इक्वल टू 5 पे ये मान लो t इक्वल टू 5 सेकंड है, और कितने पे बताओ वो माइनस के 3 मीटर पे है, इतनी बात क्लियर। फिर मैंने बताया दोनों पॉइंट के बीच में अपने क्रॉस चेक करना है कि अपने पास कहीं वो टर्न तो नहीं हुआ ना, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सीधा यहाँ आ गया होगा, या फिर पहले इधर गया होगा फिर यहाँ आया होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो बताओ मैं क्या चीज चेक करूंगा, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि वो जब टर्न हुआ तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रही है, 0 रही है। तो बताओ अभी अपने इक्वेशन निकाल लेते हैं v इंस्टेंटेनियस की, बताओ क्या इक्वेशन आई थी, इक्वेशन आई थी 4 माइनस 2t, जब टर्न हुआ तो उस टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी रही है उसकी, 0, तो 0 इक्वल टू 4 माइनस 2t हो गया, यहां से t का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बताओ, 2 सेकंड, मीनिंग कितने टाइम पे टर्न हुआ है बताओ वो, 2 सेकंड पे टर्न हुआ है, 2 सेकंड पे टर्न हुआ है। अब देख लेते हैं कि 2 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या रही होगी, तो 2 सेकंड और यहां ऐड कर देते हैं फ्रेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन बताओ 2 सेकंड पे, देखो ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 10 हो गया, और कितना है 2 है तो 4 है, 6 आ गया भाई, बताओ कितने पे रहा है वो, 6 पे रहा है, तो ये आ गया t इक्वल टू 2 सेकंड, ये t इक्वल टू 2 सेकंड है, और बताओ कितना आ गया, ये 6 मीटर आ गया।
इतना आ गया, ये 6 मीटर पे आ गया। अब देखो, अब बात क्लियर हो गई है, बाकी पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। स्टार्ट यहाँ से हुआ है, वो पहले इधर गया है, यहाँ से इसने टर्न लिया है, टर्निंग पॉइंट आ गया अपने को, फिर यहाँ आया है, बस बीच में पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, टर्निंग पॉइंट निकाल लो बस। एक तो जो गिवन है उसकी इनिशियल और फाइनल निकाल लो, और एक टर्निंग पॉइंट चेक कर लो, बस आ जाएगा आंसर। ये भी सब कुछ इसमें आ रहा है, बताओ एवरेज स्पीड के लिए हो रहा है, मेरी बात समझो। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालता मैं तो फिर उसमें क्या आता है बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट में तो अपने को क्या मतलब है, एक तो इनिशियल पोजीशन चाहिए, एक क्या चाहिए फाइनल, वो मिल गई इनिशियल ईयर फाइनल ईयर, बस ये टर्निंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो इनिशियल और फाइनल से ही अपना काम चल जाएगा। बट अपने को टर्निंग पॉइंट किसमें निकालना पड़ेगा, जिसमें क्या चाहिए अपने को टोटल डिस्टेंस चाहिए, जिसमें टोटल डिस्टेंस चाहिए अपने पास, उसमें टर्निंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, बताओ और यहाँ गया है, देखो 2 मीटर है ऑलरेडी, मेरी पोजिशन कितनी है 2 मीटर है, मैं गया 6 आ गया, तो बताओ 4 तो चला, नहीं समझ रहे मेरी बात। अरे 2 मीटर तो लिखा हुआ है और कितना मीटर लिखा हुआ, आ गया 6, तो कितना चल लिया मैं, 4 चल लिया, 4 चल लिया, 4 वापस आ गया, तो 8 हो गया, और 2 यहाँ पे आने में होगा 10 हो गया। फिर ऐसे देखो यहाँ से चला तो 4 ये हो गया, अब 6 पे हूँ तो कितने पे आऊंगा, 0 पे, तो 6 चल लिया ना यहाँ से यहाँ तक, नहीं समझ रहे मेरी बात। 0 ये 2 मीटर पे हूँ, यहाँ गया तो 4 चल लिया, अब 6 पे आ गया, अभी तक 4 चल चुका हूँ मैं, 6 से वापस 0 पे आऊंगा तो 6 चलूंगा, 10 हो गया, और वापस आ जाओ इतना 3 तो 13 हो जाएगा। तो देखो अब अपना आंसर आ चुका है, वी एवरेज का जो वैल्यू आया है वो 13 अपॉन कितना आएगा 5 आएगा मीटर पर सेकंड, और डिवाइड करके सॉल्व करो, ये आंसर है तुम्हारा। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। देखो एक नोट लिखा है, इफ इन ए क्वेश्चन एवरेज स्पीड इज आस्क्ड, ओनली बात हो रही है जब एवरेज स्पीड पूछा है, देन वी हैव टू चेक वेदर द पार्टिकल टेक्स रन और नॉट। कहने का मतलब जब एवरेज स्पीड अपने को पूछी है तो अपने को चेक करना है कि जो पार्टिकल उसने टर्न लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि अपने को एवरेज स्पीड में ये टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा भाई, एवरेज वेलोसिटी में तो इसकी जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि उसमें तो इनिशियल चेयर फाइनल चेयर जो अपने को मिल ही जाता है, टर्निंग पॉइंट से मतलब भी नहीं है। आई थिंक समझ आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।